वो कह रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को अछूत क्यों मानते हैं? बिल्कुं सही कहा, ये सवाल पूछ रहे हैं वो। कौन अछूत मान रहा? अछूत इन्होंने माना है। बहुजन समाज पार्टी का 1995 आज 4 जून का दिन है चित्रा जी, आज ही के दिन स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जहां बाकायदा बसपा ने और मायावती जी ने लिख के दिया है, जातिवाचक शब्दों के साथ दलितों को अपमानित कर 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 पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा गया और मायावती की हत्या करने की बात कही। सुनील जी, यह हवा में दिया गया बयान नहीं है, कोर्ट में दिया गया हलफनामा है। यह बताइए शेड्यूल में रिजर्वेशन प्रमोशन किसने खत्म किया? आपकी सरकार ने खत्म किया। और जहां तक पुजारियों की बात है, आपको पता नहीं है भारत में 5,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर लगभग दलित पुजारी है। बताइए, सुन लीजिए मेरे पहले इसका जवाब दीजिए। आज 4 जून है, 4 जून 1995 को दलितों को अपमानित करते हुए उनको जान से मारने की कोशिश आपकी पार्टी ने की थी कि नहीं? फिर भागिएगा नहीं जी? जा सकते हैं। अब उत्तर की सहूलियत के हिसाब से मुद्दा मत बदलिए। लौट आते हैं आज के मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। एक सेकेंड सर, जितेंद्रानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत करते हुए। सर, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त अतीकुर रहमान साहब भी जुड़ चुके हैं, लेकिन स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी सीधे आपके पास आते हुए, ज्ञानवापी पर आंदोलन नहीं करेगा संघ, मोहन भागवत जी की ओर से स्पष्ट कह दिया गया है। अब आप लोगों की क्या होगी रणनीति आगे की? संघ ने आंदोलन किया कब है? जब 1984 में अंतिम चरण का आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसमें 1986 में ताला खुला और ताला खुलने के बाद 87-88 में आकर के 89 तक राम जन्मभूमि के आंदोलन को समर्थन दिया, पहले विश्व हिंदू परिषद ने और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 1989 के पालमपुर प्रस्ताव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि के विषय का समर्थन किया। संघ समाज का एक संगठन है, हिंदू समाज का, और उसका अपना विस्तृत आयाम है दुनिया के 100-125 देशों में। जहाँ भी हिंदू निवास करता है, ये उनके बीच काम करता है। सनातन हिंदू धर्म का सीधा संबंध उनके धर्माचार्यों से है। धर्माचार्य अगर निर्णय लेंगे कि हमें इस मुद्दे पे आंदोलन करना है। दूसरी, चित्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हमें आंदोलन करने की जरूरत क्या है? अगर आंदोलन ही करना होता तो हम 303 साल तक चुन करके भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी सांसद हम संसद में भेजते क्यों? क्या हम उनके माध्यम से अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है? मैं अभी वारिस पठान जी को सुन रहा था, वारिस पठान जी बोल रहे थे कि लीगली मोहन राव भागवत की स्थिति क्या है। मैं पूछूं वारिस पठान और असुद्दीन ओवैसी की स्थिति क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अथवा जमायत उलेमाए हिंद की भी एक हैसियत है, लेकिन एक राजनीतिक रूप से ही हैदराबाद के बाहर एक दो छिटपुट विधायकों से हैसियत नहीं तय होती। इसलिए हिंदू समाज के सर्वोच्च संगठन के सर्वोच्च मुखिया के बारे में ऐसे शब्द प्रयोग करना ये ठीक नहीं है, ये घातक प्रवृत्ति है राजनीतिक लोगों की। और मैं एक बात कहूँ कि संघ संतों के श्री चरणों में छुपता है, बैठता है, ठीक है। संतों को जब आवश्यकता महसूस होगी इस संपूर्ण विषय में कि हमें अब संघ का समर्थन चाहिए, तो हम वार्ता करेंगे। ये हमारे और उनके बीच का विषय है, लेकिन ये सच है कि संत समिति भी कहती है कि हम आंदोलन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात कह रहा हूँ, 24 घंटे काशी ज्ञानवापी को मीडिया के कैमरे के लिए प्रशासन अनुमति दे दे, सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे दे और कैमरा पूरी दुनिया को दिखा दे कि उस ज्ञानवापी के परिसर की सच्चाई क्या है। अब तो सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं स्वामी जी, ठीक है। आपने जो सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है। पहले आंदोलन आप लोगों ने इसलिए किया क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें थी, अब तो वहां पर भी बीजेपी है, यहां पर भी बीजेपी है, तो आंदोलन किसके खिलाफ करेंगे आप लोग? अब तो जो चाहा जाता है संघ की ओर से वो पूरा ही हो जाता है, ये बात तो सच है। चित्रा जी, एक बात सुन लीजिए, ये धमकी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की धमकी जमाए हिंद के कार्यक्रम में जो बंद में दी गई उसका एक ही जवाब है, हम काशी के साधु संत सन्यासी और काशी के आम नागरिक और भक्त काशी का मसला सुलझाने में सक्षम है, ठीक है। और इतिहास में भी 1809-10 के जिसको कहा जाता है कि
लाख भैरव का दंगा वो मुसलमानों को याद करके रखना चाहिए। ठीक है, आप हमें धमकी देके मजबूर मत करिए। ठीक है, हम इतना ही कह रहे हैं। मोहन भागवत जी लेकिन ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट से जो भी फैसला है उसका स्वागत कीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उस पर सवाल मत उठाइए। मोहन भागवत जी की ओर से यही कहा गया है। लेकिन सीधे अभिजीत द्विवेदी जी आपके पास आते हुए, उसके बाद अतिकुर रहमान साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अभिजीत द्विवेदी जी, संघ तो पीछे से शामिल हो जाता है ना, जैसा कि जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने अभी कहा है, अयोध्या वाले मामले में जब लगा कि देश की भावनाएं आपके तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो संघ पीछे से शामिल हो गया, तो इस वाले मामले में भी क्या इसी तरह की उम्मीद कर ली जाए संघ को लेकर? चित्रा जी, मोहन भागवत जी ने एक बार नहीं, कई बार, चाहे वो दिल्ली में विज्ञान भवन की व्याख्यान माला में उनका संबोधन रहा हो, चाहे अलग अलग भाषणों में उन्होंने इस बात को कहा हो, चाहे 9 नवंबर के बाद, उन्होंने उनका एक कंसिस्टेंट स्टैंड है इस चीज के ऊपर कि अयोध्या के विषय से इतर अन्य विषयों में संघ सीधे आंदोलन में नहीं उतरेगा। और वहां पर उन्होंने अभी भी उन्होंने बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में बोला कि समन्वय से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो अधिकार मिले हैं, राइट टू सीक जस्टिस, जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए यदि कोर्ट इत्यादि के माध्यम से पवित्र, एक कोर्ट को उन्होंने भागवत जी ने बोला कि एक पवित्र संस्था के रूप में उसका जो भी आदेश होगा, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की तरफ आदेश हो अथवा हिंदू पक्ष की तरफ आदेश हो, उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए पूरी संवेदना के साथ स्वीकार करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी की बातों का अगर हम लें तो उनकी ओर से तो यही कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी ले लो, बाकी पर चुप रखो, इस तरह का माहौल, क्योंकि वो कह रहे हैं बाबरी विध्वंस जिस तरह से हुआ, ज्ञानवापी पर भी कुछ वही नियत दिखाई दे रही है इस वक्त। जी जी, देखिए, अयोध्या के विषय में संघ एक बहुत ही विशेष समय में और बहुत ही विशेष स्थितियों में जुड़ा था। ऐसा नहीं था कि एक लंबे समय से, चाहे अयोध्या का विषय हो चाहे ज्ञानवापी का, जैसे ज्ञानवापी के विषय में भी भागवत जी ने साफ साफ कहा कि कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, वो चाहे हम किताबों को देखें, चाहे हम हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स को देखें, चाहे गजेट्स को देखें, हमें चीजें एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और वो आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि संघ उन आंदोलनों को जो है जन्म दे रहा है, वो समाज की भावना है, समाज से जुड़े अलग पक्षों का मत है। और अगर कुछ लोग, कुछ नागरिक अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन चीजों को परस्यू करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन उसके पहले भी भागवत जी का यह कहना है कि हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व करें।